अभी हम अन्नपूर्णा साउथ के सामने के रास्ते से, ये ट्रेल दिख रही है आपको, यहाँ से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ये आपको पूरी ट्रेल दिख रही होगी। यहाँ से अभी 2 घंटे लगेंगे माचा पुजारे का, या 1.5 घंटे, और धीमे धीमे करके हम चले जाएंगे। अभी थोड़ा थक गए हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। वैसे नॉर्मली जिनकी स्पीड अच्छी होगी उनके लिए 1 घंटे का काम है, और व्यू तो बस देखते ही बन रहा है। ये ट्रेल देख सकते हैं आप, हम धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं। आप ट्रेल को कवर करते हुए जो नया पुल से अन्नपूर्णा बेस कैंप आने की वीडियो है, वो मेरे फ्रेंड ने रिकॉर्ड किया है। मैं वापस जाने की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो सेकी होगा क्योंकि ट्रेल थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो अच्छे से ही रिकॉर्ड करूँ। जो ग्लेशियर से नदी आ रही है वो पूरी तरह से लगभग जम चुकी है, आप देख सकते हैं। आगे माचा पुचारे का जो माचा मुचारे जो माउंटेन है उसके बेस में पूरा फॉग हो रखा है, और हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत पहले इसके बारे में सोचा यहाँ आने के लिए, और अभी टाइम मिलने से मैं यहाँ आया प्लान बना के। पहले तो सारे जो भी इंडियंस हैं उनके लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता है नेपाल आने के लिए, और एक वीज़ा फ्री कंट्री है अपने इंडियंस के लिए। बस अगर आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं तो भंसार बनवाना पड़ता है और कुछ भी नहीं, और आपके पास बस एक आईडी होनी चाहिए। अगर आप बाय सरफेस आ रहे हैं, अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप सरफेस से आ रहे हैं तो कोई भी आईडी चलेगी। कोई भी आईडी का मतलब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडीज़ हैं वो। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप करें कि अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस रीज़न में अन्नपूर्णा रीज़न में आने के लिए आपको टिम्स कार्ड और ACAP कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो पोखरा में बन जाता है मुश्किल से 20 मिनट में। उसमें आपकी कुछ वही आईडी देखी जाएगी, तो बस इतना ही है, और तो आप फिर अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। और फिर ये आप ट्रेल देखिए कैसा है,
और ये नज़ारा। इस रीजन में थोड़ा लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए इस रीजन को थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो जल्दी पार कर सकते हैं। बाकी देख ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से नीचे स्लाइड होके आ रही हैं। अभी फ़िलहाल तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ कभी वेदर के चेंज होने पे या बारिश होने पे ये नीचे स्लाइड होती होंगी, जो दिख भी रहा है पूरे रीजन में। सो अभी ट्रेल की वीडियो थोड़ा बंद करता हूँ, संभल के चलना पड़ेगा। फिर आगे कुछ अच्छा होने से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आगे अभी थोड़ा क्लोज करता हूँ वीडियो को, आगे से फिर से स्टार्ट करूँगा।